क्या हाल है भाइयों? सब एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। आज के दिन मैं एक बच्चे के साथ बात करने वाला हूँ, और वो बच्चा क्लास 7th का है। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, और उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होती हैं। तो उन बच्चों के साथ मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा इन्हें टाइम देता हूँ। मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो मैंने उन बच्चों को क्लास 7th की उनकी बुक थी जिसमें एक एक्टिविटी थी, वो बनाने के लिए उन बच्चों को दिया। उन बच्चों में से दो भाई हैं। वो एक भाई ने, जिसका नाम हर्ष है, उसने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे इन्हें समझाऊं, तो मैंने उन्हें एक एक्टिविटी ऐसे ही बोल दी कि तुम जाओ घर बनाओ। तो अगले दिन वो बच्चा मेरे पास में पूरा एक सर्किट लेके आया, और उसने बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट उसने कैसे बनाया। और जो काम उसने किया था, उस काम को देख के मैं एकदम सन्न रह गया। इतना खूबसूरत इलेक्ट्रिकल सर्किट उसने बना के हमें दिया है, और वो आज के दिन इस वीडियो में हमें वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला है। और जो जो सामान उसके पास में था, उसी से उसने वो सर्किट बनाया था। इसी बीच में हम हर्ष की दो चार बातें भी सुनते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं हर्ष से और उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ये हमारे पास में क्लास 7th की एक एक्टिविटी है, जिसमें एक सेल है, एक बल्ब है, और बीच में आप बल्ब होल्डर के नीचे देख सकते होंगे ए और बी, ये एक स्विच है, और ये क्रियाकलाप है। और इसमें कहते हैं कि इन दोनों को जब आप टच कराते हो तो क्या लाइट आती है, क्या बल्ब जलेगा, और इन दोनों के बीच में अगर अलग अलग चीज़ें आप रख दो तो क्या बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो बेसिकली ये चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर को समझाने के लिए बनाई जानी चाहिए। अब हमारे पास में इसी चीज़ को क्रिएट करने वाले हैं हर्ष। ये हर्ष है, और ये हर्ष का सामान है जिसमें आप देख सकते होंगे हर्ष ने टेप रखी है अपने पास में, कुछ वायर्स रखे हैं। हर्ष, ये क्या रखा है तुमने, बल्ब जैसा? ये लड़ी का है, लड़ी जो दिवाली पे लगाते हैं, ये उसका है, ठीक है। और ये किस में रैप कर रहे हो तुम, ये किस चीज से इसमें ढक रहे हो? पाइप। ये पाइप कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये मैंने दिया था, ये स्ट्रो है असल में, जो कि मैंने इन्हें रब करके चार्जिंग के लिए दिया था, और इस स्ट्रो से ये वायर्स में डाल रहे हैं, बल्ब में डाल रहे हैं। करो हर्ष तैयार। ये डब्बा है हर्ष का, ये डब्बा कहाँ से मिला हर्ष? ये घर पे रखा था। घर पे रखा था, चलो वेरी गुड। तो हर्ष अब एक सर्किट बनाने जा रहा है। कैसे हर्ष सर्किट बनाता है वो देखते हैं। ये वायर्स कहाँ से उठाए हर्ष? ये इसमें से निकाले, तार में से। ये वाले कहाँ से उठाए? जो चार्जर की इसमें होते हैं ना, उनमें से। चार्जर की जो लीड होती है उसमें से निकाला है हर्ष ने। तो हर्ष ये सर्किट बना रहा है। ये सारा का सारा सामान हर्ष ही ने ही अरेंज किया है, ये हर्ष के पास ही था। हर्ष क्या कर रहे हो अभी? तार छिल रहे हो। हर्ष अभी क्लास 7th किया है। कौन से स्कूल में हो हर्ष? वीर स्मारक इंटर कॉलेज में। हर्ष क्या बनना है आपको लाइफ में? इंजीनियर बनना है।
खत्म हो गई थी शायद। नहीं। अच्छा कहाँ टेप लगा रहे हो? अच्छा तो अंदर की तरफ टेप लगा रहे हो, ठीक है। हर्ष ये क्या है जो तुमने अभी हाथ में लिया है? ये बैटरी। इसे दिखाओगे एक बार पास से? ये बैटरी है, कहाँ यूज करते हो इस बैटरी को? इस बैटरी को इन्हें जलाने के लिए। ये बैटरी कहाँ से लिया है तुमने? फोन केस में। फोन से लिया है। और ये इसमें ऊपर तीली किस लिए लगाई है? ये माचिस की तीली, जो इनमें करंट कम ना जाए। क्या होता है अगर ये तीली नहीं लगाते हैं तो? कभी कभी चलते हैं, कभी नहीं, करंट आता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिल जाते हैं ना तार। ये तार हिल जाते हैं, तो इसके लिए आपने क्या किया, तीली लगा दी ऊपर तारों के ऊपर और फिर टेप से इसे आपने रैप कर दिया। अब ये ऐसा हो गया जैसे वो सोल्डरिंग करते हैं, वो जैसे सोल्डर से नहीं हिलते हैं, तो ये जो माचिस की तीली है ये इन्हें हिलने नहीं देती। वेरी गुड। हर संदर की तरफ टेप लगा रहे हैं। क्या हुआ, नहीं चल रहे हैं? चला 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 चला। अरे वाह, तीनों जल गए। अच्छा बैटरी को बदल के लगाना पड़ता है, है ना? अगर दूसरी तरफ से लगाया तो नहीं जलते हैं, एक ही तरफ से लगाओगे तो जलते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे हमारे इसमें होता है, जो हमारा ये वाला बल्ब होता है किसी भी तरफ से लगा लो, पर ये वाले बल्ब में कुछ गड़बड़ है ना? ये क्या लिया है तुमने हर्ष, वायर के एंड पे? ये क्या लगाया है वायर के एंड पे? ये लोहा। ये कहाँ से मिला? ये मेरी मम्मी काम करती है ना, वहाँ से। ये वहाँ से है आपको? ऐसे दो हैं आपके पास? ठीक है। तुमने ये पीछे से तार कैसे जोड़े हैं? यहाँ ये कैसे तार जोड़ रहे हो, एक के बाद एक जोड़ रहे हो? इसका एक तार, इन तीनों का एक तार एक साथ जोड़ दिया, दूसरा तार एक साथ जोड़ दिया, है ना? इन तीनों के तार इसमें, इन तीनों के तार इसमें, और फिर ये जो तीनों उनका एक सिरा बैटरी के एक सिरे से और फिर दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से। वेरी गुड। तो इसका मतलब इन तीनों के तीनों जो एलईडी इन्होंने लगाए हैं, इन तीनों के तीनों का एक एंड तो बैटरी के एक सिरे से जोड़ा जाएगा और फिर इन तीनों के तीनों एलईडी का जो दूसरा एंड है वो दूसरे सिरे से जोड़ा जाएगा।
तो ये हर्ष की डब्बी है उस सर्किट वाली। हर्ष, इससे हम कैसे चेक करेंगे अलग अलग चीज़ों को कि कौन सी चालक है और कौन सी कुचालक है? जैसे ये अगर हमने इसके बीच में रख दिया, देखो जलगी लाइट, तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है ये चालक है। चालक है, ठीक है। अगर हमने इसमें नहीं धरा तो ये अचालक, ये कुचालक है। कुचालक, वेरी गुड। अगर हमने इन दोनों तार को धर के, अगर आपने ऐसे रखा तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। और अगर अगर प्लास्टिक की तरफ से रखो तो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो बीच में आ जाए तो नहीं जल रही, नहीं जलेगी। पक्का नहीं जल रही है? दिखाओ, तो ये हर्ष की क्लास है जिसमें हर्ष ने अपने को कैसे सर्किट बनाया जाता है। अच्छा, कैची को रख के देख रहे हो, कैची चालक है। मेरे मोबाइल का कवर देखो, नहीं कर रहा है, ये कुचालक है। अब मेरी उंगली रख के देखो, नहीं, नहीं है, ये भी कुचालक है। तो ये हर्ष का सर्किट है जो हर्ष ने अभी बनाया है। कैसे हर्ष ने बनाया है ये आप देख चुके हैं। और ये हर्ष ने स्विच बनाया है जिसमें उसे दो मेटल की पट्टियां मिली हैं, और ये हर्ष की बैटरी है। ये हर्ष का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का मॉडल है। आई होप आपको थोड़ा बेहतर लगा होगा ये वीडियो देखने के बाद में हर्ष से मिलके। हर्ष को इंजीनियर बनना है और हर्ष का काम बहुत खूबसूरत है। आप भी अगर आपके आस पड़ोस में कोई एक दो बच्चा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर एक दो बच्चा आपको लगता है आप उसे सहयोग कर सकते हैं, तो कृपया आप उसे प्लीज़ सहयोग करें। और जो लोग ऑनलाइन वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उन तक हम कैसे भी करके उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को अगर हम बाहर ला सकें तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।